हेलो हाय जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। तो जी स्टूडेंट्स, पढ़ मैथमेटिक्स समझना आ चुका, समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथमेटिक्स समझनी है तो समझने के लिए रेडी छो, रेडी छो मतलब ये होना है तो बिल्कुल सूट टूट पाए, कपड़ा पाए, तैयार से दे रहे हो ना। रेडी जो मतलब यह है तो कॉपी एंड पेन पार्ट संग रखो, रिलैक्स थी करे, एक जगह से बीहो एंड फुली कंसंट्रेशन से माइंड से कहो तो फुली कंसंट्रेशन से मुझे यह चीज समझनी आए, ठीक है, तदे मुझे समझ लीजिए, ठीक है। सो रेडी आए एग्री आए पर गौर से, हर वर्ड गौर से नहीं कर यूज किया, तो जब पान जगह से पढ़ी रहे हैं वो इंपॉर्टेंट आए, वेरी इंपॉर्टेंट आए, ताकि तानी फील्ड में काले भी वेंदो, हर जगह ते को टेस्ट इंदो, उनमें इश्यू जरूर आए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो अच्छा तो समझो ना, कल क्लास जिसे चली हो तब कंटिन्यू करो ना। तो 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 समझ रहे हैं, जब मैं फाइंड चार्ट ऑन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, माने कि शेयर कॉमन डिफरेंस ब्यू एंड द इंटीग्रेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, हेठा कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस मिले लाए, माना सीक्वेंस मिले लाए, अर्थमेटिक सीक्वेंसेस, उन सीक्वेंसेस में हिकड़ो कॉमन डिफरेंस मालूम करना है, ठीक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आए तो माना कॉमन डिफरेंस सेम हो तो नहीं अर्थमेटिक चाहिए हो तो आए, यह खबर हो जाए तो जी पढ़ना अच्छी है, सही है। एंड बियो ट्रम जो को इंडिकेट थे पाए, ट्रम जो को पॉइंट आउट थे पाए, उन ट्रम के फाइंड आउट करना है, अंडरस्टैंड। हां ही सीक्वेंस मिले लाए में 21st ट्रम फाइंड आउट करना है कि अच्छा तो दिसो ना सॉल्यूशन 1.7 1.4 1.1 हां ही इन बीच में 1.7 आए, बस सीक्वेंस लाए छो 1.7 1.4 1.5 पॉइंट का पहला डिजिट हर ट्रम में सेम अच्छे तो तैन गए डॉट 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 ही सीक्वेंस लाए एंड में फाइंड चार्ट का फाइंड करना पा के इतना है कॉमन डिफरेंस मालूम करना है अभी इंडिकेटेड ट्रम माने 21st टी 21 तो सब बस शो पॉइंट है उधर चाहिए अच्छे भी कर समझ लो हां ने देखा सीक्वेंस गिवन आए है इन गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एज वैल्यू माने पहले ट्रम जो आए वो 1.7 है ठीक एंड वो कॉमन डिफरेंस मालूम करो कॉमन डिफरेंस मालूम करो तो कॉमन डिफरेंस मालूम करने फॉर्म लो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ठीक है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने फॉर्म लो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आया सेकंड टर्म आए 1.4 माइनस 1.7 ठीक और 1.4 माइनस 1.7 कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू बाकी बचे माइनस 0.3 तो ही मान के आंसर मिलो कॉमन डिफरेंस 1.4 मा 1.7 माइनस के बाद 0.3 पर माइनस के बच को छो बड़ो नंबर जो नेगेटिव साइन से आएगा समझ में क्लियर है ठीक है ही जीरो कॉमन डिफरेंस हन हन टर्म 21st नंबर फाइंड करना यू फाइंड की कहो यू फाइंड करना ऑन द जिका प्रोग्रेशन आ है या सीक्वेंस आ है वो कह दिया है अर्थमेटिक क्वेश्चन में चाहे तो अर्थमेटिक वर्क फॉर्मूला यूज करो अर्थमेटिक वर्क फॉर्मूला यूज करना आ है तो एज वी नो जनरल फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी ये है एंड टर्म और जनरल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सजेस्ट वैल्यू ऑफ सिक्वेंट टी टर्म नंबर पॉइंट 21st फाइंड करना है इक्वल टू टी 21 माना एन की जगह पे छाछ की को आए 21 ए की वैल्यू 1.7 प्लस 21 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू माइनस 0.3 आई का समझ में छा के मिस्टेक में सिर्फ पान वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाए फार्मूला में जे गिव टर्म आया हर टर्म की वैल्यू पान मौजूद आहे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए माने से सिंपलीफाई लगे पान ये 1.7 सागो आया 21 मा 1 माइनस करो 20 बचो मल्टीप्लाई माइनस 0.3 थियो आई का समझ में छात्रो ब्रैकेट अगर बन नंबर जे माइनस कर दा एर बिने के पार माइनस कर दे ठीक 21 मा 1 माइनस तो थियो 20 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.7 रिमेंस से ठीक है सो हंड्रेड सो 1.7
एंड प्लस जो 20 मल्टीप्लाई करना है माइनस 0.7 से तो पहले हमेशा साइन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मल्टीप्लाई माइनस से करा से प्लस इनटू माइनस जो माइनस और 20 के मल्टीप्लाई करना है 0.3 से 20 के मल्टीप्लाई करना है कैसा 0.3 से तो 20 के मल्टीप्लाई करा से 0.3 से आंसर नंबर 6 आएगा समझ गया आंसर 20 मल्टीप्लाई बाय 0.3 सही है जंग न लगी बने सो हाने 1.7 मा 6 माइनस करना है हाने सो 1.7 मा 6 माइनस करना है तो बने नंबर मा नंबर नंबर माइनस का हो तो 6.0 दी सको ना पहले सही है माइन पॉइंट पे नंबर माइन करना आ जाए हाने 0 मा 7 को तो मैंने उधार करना 5 हो तो 10 बाकी बचे तो 3.5 मा 5 में बाकी बचे 4 माइनस जो 4.3 जो 6 वालो है आंसर बच्चों माइनस जो 4.3 सो 21st टर्म की जगह वैल्यू मिली माइनस जो 4.3 क्लियर है आई का समझ भी ना के अंदर सेवन जी के समझाए लो बेसिक आए कुछ जरा सोल्यूशन जी की खबर को दिया है तो मल्टीप्लाई के थे को या माइनस के थे तो इन जी का आई का समझ में वरी ऑब्जेक्ट बस गौर सा कंसंट्रेशन सा समझने की कोशिश करो बेसिक टेपो ता जो ई समझो बिल्कुल ही बेसिक ता जो हले पियो ठीक है अच्छा ता जो नेक्स्ट पार्ट भी समझो ता छा है समझ ठीक है स्टूडेंट्स सो जी स्टूडेंट्स पार्ट हाड़े पार्ट नंबर 8 समझना से पार्ट नंबर 8 समझना से सागो तरीको पार्ट जो तो फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस एंड इंडिकेटेड टर्म ठीक कह जो इन सीक्वेंस एंड द सीक्वेंस का मेरा लाइक टू का 3 होल 1 अपॉन 4 इनके चेंज का कंबाइंड नंबर होल नंबर 3 होल 1 अपॉन 4 तन होल नंबर के पहले पार्ट करना थोड़ा सा कॉमन में तो जी सिंपलीफिकेशन में ऐसा क्या सकते तो कॉमन में करना पहले तरीको छ है डिनोमिनेटर वाले नंबर के जो कोई साइड वाला नंबर है 3 है इनन में के पार्ट को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आयो उन आंसर के वरी उनके न्यूमरेटर में जो नंबर है उसका प्लस कब सही है अच्छे बिन का समझ लो गौर से समझने की कोशिश करो जिनके बेसिक ना है उन जिला भी है 3 4 7 12 12 तो 12 में पार प्लस ना से मते न्यूमरेटर में जो नंबर आए उन के तो वो थंदो 13 माने 13 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा ये तो सागे तरीके से 2 साइड नंबर 4 2 4 सा 8 आंसर बिलो और मैं मतलब न्यूमरेटर प्लस का वो 1 प्लस करना से दिलो 9 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा और हेड ऑफ साइड के साथ 4 मल्टीप्लाई करो 5 से 4 5 से 20 20 में 3 प्लस करना से दिलो 23 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा डॉट 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 से आई गॉट समझ में सीक्वेंस सो दी थी ठीक है हने सॉल्यूशन पार्ट आ सकते हर पर साल से आ सकती है उनका पहले पार्ट स्टार्स है साइड एकड़ो कॉमन डिफरेंस कपे तो जो इंडिकेटेड टर्म जो तो था 30 थर्ड टर्म टी 33 कॉमन डिफरेंस का सब इंडा फाइंड करना है और बाकी टर्म हर क्वेश्चन में इंडिकेट था जो कुछ लोग उबान बता क्लियर है ठीक हंड सो इते है इन गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिले लागे जे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन आए इन में 6 पॉइंट है ए माने पहले टर्म जो आए वो 2 आए ठीक एंड को कॉमन डिफरेंस मालूम करनो आए तो कॉमन डिफरेंस मालूम की कहो कॉमन डिफरेंस मालूम कर फ्रॉम लो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ठीक तो सेकंड टर्म जो पॉइंट है 13 डिवाइडेड बाय 4 माइनस फर्स्ट टर्म साडा सिंपली 2 ठीक अच्छा बिन का समझ नंबर लिखे हाने फ्रैक्शन में नंबर है माइनस 10 का तो छाको फ्रैक्शन में नंबर है माइनस 10 का तो के प्लस या माइनस करना पार बटना सी एलसीएम और जी डिनोमिनेटर सी तो 13 जी डिनोमिनेटर में 4 है तो 2 जी डिनोमिनेटर में कुछ आए को माने 2 जी डिनोमिनेटर में 1 आए
शो कयो चजदे जी एलसीएम में पान के आसानी थी ठीक हन डिनोमिनेटर 4 है हन डिनोमिनेटर है 1 तो 4 एंड 1 की एलसीएम थी 4 सो 1 मींस नथिंग सो 4 * 1 मींस 4 एंड फर्स्ट नंबर 13 जी अपन में जो नंबर है सेम एग्जैक्टली पान एलसीएम में है आए 13 रिमेंस सर माइनस 2 अच्छियो एंड 2 जे अपन में कुछ हो ही कोन 1 पान पे दफा शो करे सो बाय डिफॉल्ट 1 होतो आए त मींस 2 जे अपन को चाहे को ना है तो वो एलसीएम और नंबर साबो जे 2 सा को मल्टीप्लाई 4 2 सा मल्टीप्लाई क्लियर आए अच्छे भी काल समझ लो ठीक है हां देखो 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 सा 4 2 8 डिवाइडेड बाय 4 सही सिंपल थियो अने 13 मा 8 वैल्यू बाकी बचे 5 डिवाइडेड बाय 4 ही पान के कॉमन डिफरेंस मिलियो आंसर छा मिलियो पान के कॉमन डिफरेंस आई कैन समझ में हाने छा कबो हाने टर्म मालूम कबो जेको इंडिकेटेड टर्म आहे जेको पुछे तो पान का एंड सो वो टर्म पान की मालूम करा सो वो टर्म मालूम करना एस वी नो टी एन जी का सो a plus n minus 1 multiply by t indicated term non indicated term here ठीक and you formula use kabo cho formula use kabo yo tare ke jo term find karna hai jeka paan ke ap de pyo on arithmetic progression na hai the arithmetic progression varo formula use kabo wo arithmetic progression formula hi hai a plus n minus 1 into t ठीक and so the values of t n di jagah 33 achhi ho 33 टर्म फाइंड करना है ए की जगह पे ए वैल्यू जगह पॉइंट पे छाए 2 प्लस 33 माइनस 2 1 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 4 पर आगे सॉल्व कर हुआ है क्लियर है एंड सो 2 प्लस 33 में 1 में 1 का जो 32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 4 ठीक और 32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 4 सो 4 जो टेबल पर 32 के हिसाब से होगा 8 टाइम सही है 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 5 सा तो बच्चों 4 डिवाइड 0 8 5 सा 14 सो 33 नंबर टर्म 2 प्लस 14 में करना सकते हो 42 तो यो नंबर टर्म 33 नंबर जो टर्म आए सीक्वेंस के हिसाब से एपी जैसा था वो 42 है आएगा समझ में क्लियर है ना सागो वही स्टेप्स है सागो तरीको है जस्ट सिंपलीफिकेशन चाहते ठीक है तो गौर से समझ लो सिंपलीफिकेशन ठीक है भी आजीली इजीली सिंपलेस्ट वे में समझ है लो समझने की कोशिश करो जरूर समझ लो ठीक है स्टूडेंट्स अच्छा तो नेक्स्ट पार्ट भी सुना वो छा आए सो जी स्टूडेंट्स हां सो पार्ट नंबर 9 तो समझूंगा जे में पार्ट के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा है वो आई का सामने है 3x minus 1, second term 2x, third term x plus 1, dot 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 so on. ये है arithmetic progression. मालूम छा करना है, उधर पाने के common difference मालूम करना है. दो term indicate करो चला है, ninth term find करना है. ठीक ठीक nine is बस अपना. सही. ये कबर पे जीवित है, find छा करना. हाँ नहीं. पाण के जगह सीक्वेंस मिला रहा है जगह आर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिला रहा है जिसमें वह आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में छा छा आ है ठीक है सो हियर इन गिवन आर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए माने पहले जो टर्म है वो 3x माइनस 1 लिखियो ठीक अने हम को हाने मालूम करना से कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस मालूम कर जो पार्ट सिंपली बेसिक फार्मूला है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कब हुआ है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कब हुआ है तो सेकंड टर्म जो है वो 2x माइनस करना से फर्स्ट टर्म आए 3x माइनस 1 ताने जो फर्स्ट टर्म जो सेकंड टर्म में माइनस देखो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म जो माइनस देखो वो फर्स्ट टर्म में ब टर्म आए तब वो ब्रैकेट में लिखना पड़ो चाहे कर बाहर माइनस निशान पे माइनस चाहे बिना से मल्टीप्लाई कर भी सही है अच्छे भी कर समझ लो तो गौर से कंसंट्रेशन से समझ लो समझने की कोशिश कर दो जरूर समझ लो बेसिक अरिथमेटिक है एंड सो चाहो तो 2x माइनस जो 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर जान ब्रैकेट से तो जी ब्रैकेट खत्म थे ठीक है
माइनस एंड ब्रेक इट बिटवीन जो को नंबर माइनस माइनस टू माइनस प्लस वन आई गॉट समझ में 100 से 2x प्लस 2 3x माइनस 2 माइनस 2x बच दो 2 मा 3 हो बच दो जो 1 माइनस 2 वन डिफरेंस अर्थ को जो x वेरिएबल शो करे तो एंड 1 जो को ये प्लस सो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू बिटवीन 1 प्लस माइनस 2x सही है रीअरेंज करने का पॉजिटिव नंबर पहले लिखा है नेगेटिव बाद में कैसे आई गॉट समझ में क्लियर है ना ये तो पॉइंट कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हाने हाने बाद मालूम करना सी जो ट्रम्प इंडिकेट चला जो ट्रम्प पूछे तो वो ठीक है हाने जो ट्रम्प इंडिकेट चला है जो ट्रम्प पूछे तो की फाइंड कर तय पहले सा से सीक्वेंस कैरी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है चाहे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला यूज कहो सो वो कह रहा हूं आगे एस वी नो जनरल ट्रम्प फाइंड करने फॉर्म लो तारे सामने भी स्पीड दे जा रहे दो ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी ठीक एंड जस्ट वैल्यूज पर सब्स्टिट्यूट करना है सो टी एन समान है ट्रम्प का फाइंड कर रहा है नाइन माने एन की जगह पे नाइन अच्छी हो ठीक ए जी वैल्यू पॉइंट आए थ्री एक्स माइनस वन ये जगह पे अच्छी हो थ्री एक्स माइनस वन प्लस एन की जगह पे नाइन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स ब्रेकेट में लिखो सो बट माइंड करने के ब्रेकेट में मस्त नंबर ना यहाँ देखिए एक्सप्रेशन आए आई गॉट समझ में क्लियर आया इस पर जस्ट पर छा के वैल्यूज लिखियो है हंड्रेड जरूर थ्री एक्स माइनस टू वन प्लस नाइन माइनस वन जो एट तभी ही ब्रेकेट खत्म थे आई वन माइनस जो एक्स सेम आया ठीक आई गॉट समझ में इंस्टेंट सिर्फ 9 में पार्ट 1 को माइनस किया हुआ है सिंपली एंड ब्रेक हटा दी हाने 3x प्लस माइनस 1 प्लस 8 एंड ब्रेक से कब को मल्टीप्लाई सो 8 पहले भाग से कब को 8 1 सा 8 4 प्लस निशानी है ब्रेक के बीच में माइनस है पहले को साइन मल्टीप्लाई कभी प्लस इनटू माइनस माइनस दियो और 8 के मल्टीप्लाई का को जो सेकंड ट्रम आए ब्रेक एक कौन सा हुआ 8 8 इनटू x 8x आई गॉट समझ में ठीक ब्रैकेट लिखा था हाने जे के में कितना ट्रम आए उन्होंने के प्लस माइनस कर हाने 3x माइनस टू 8x भाई वेरिएबल x में वेरिएबल सा हुआ है 3x प्लस टू 8x माइनस टू एक नंबर प्लस टू आए एक नंबर माइनस टू आए तो माना माइनस ही कब तो 8 मा 3 कटी से बाकी बचा 5x पर 5x माइनस है लिखना से तो बड़ो नंबर जो को जी निशानी माइनस किया है तरीके माइनस ठीक अने का वही 1 माइनस जो एंड 8 प्लस जो तो 8 मा 1 माइनस करना से 7 बच गोंदा प्लस जा सो 9 टू टर्म पार्ट की मिलो 7 माइनस जो 5x रीअरेंज कर लिखियो है पॉजिटिव नंबर के पहले कर चलो नेगेटिव नंबर के बाद में लिखियो क्लियर आया ने आई गॉट समझ में ठीक है सिंपल होयो बेसिक होयो गौर से समझ लो समझने की कोशिश कर लो जरूर समझ लो ठीक है स्टूडेंट्स सो उम्मीद क्या तो जरूर समझ में आया होगा ठीक है तब तो हाने इन वीडियो YouTube चैनल के जरूर सब्सक्राइब करो शेयर करो कमेंट करो और सा गडो गड बेल आइकन के जरूर प्रेस करो त जी हर वीडियो जो ता के नोटिफिकेशन मिलतो रहे एंड तान प्रॉब्लम सीखी सको समझी सको टाइम बाय टाइम उनके कवर कर सको ठीक है स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़